बच्चे ज्वालामुखी की तरह मुंह फैलाए खड़े हुए हैं। ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, सभी के महंगाई भत्ते बढ़ते हैं, डीए बढ़ता है, हम लोगों का कुछ नहीं बढ़ता। उत्तर प्रदेश संस्कालय के अन्वेषक लगातार अपनी मांगों को लेकर माननीयों को ज्ञापन सौंप रहे हैं, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, जब तक नियमितीकरण ना हो तब तक समान कार्य समान वेतन दिया जाए। इस महंगाई भरे जीवन में 9,000 रुपये से क्या कुछ हो सकता है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेकर अन्वेषकों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए, आर्थिक रूप से उन्हें सहारा दिया जाए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कालिक लगा करके पूर्णकालिक हम लोगों ने काम दिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया लखनऊ पर। हमारे समर्थन में सपा सरकार खुल के सामने आई, बयानबाजी भी जारी किया और वर्तमान सरकार हम लोगों के साथ आघात कर रही है। आज भी 9,000 पर ज्ञापन करना बहुत ही शुभ है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, सभी के महंगाई भत्ते बढ़ते हैं, डीए बढ़ता है, हम लोगों का कुछ नहीं बढ़ता। अन्वेषक एक रोबोट की भांति कार्य करता है, न उसको ऊर्जा की आवश्यकता है न भोजन की आवश्यकता है। 11 साल पहले अन्वेषकों की जो स्थिति थी, किसी की शादी नहीं हुई थी, किसी के बच्चे नहीं हुए थे, आज वो बच्चे 11-11 साल में बड़े हो गए हैं, खर्चे ज्वालामुखी की तरह मुंह फैलाए खड़े हुए हैं और इस महज 9,000 रुपये में अब जीवन का खर्चा नहीं चल रहा, जिसके कारण बहुत से अन्वेषक आत्महत्या के कगार पे पहुंच गए। परिवार जिनका सपोर्ट कर रहा है वो आज चलने फिरने की स्थिति में है, जिनकी स्थिति नहीं है वो चलने फिरने की स्थिति में है, यानी मरणासन्न अवस्था में है। तो महोदय गुजारिश है, हम अपनी याचना लेकर के सरकार के पास में जाते हैं और अपनी याचना आप तक लेकर के आए हैं कि हमारी बात को सदन में जहाँ जिस भाग हमारा हित हो वो सोचने की आवश्यकता है। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं UPS पाली।